तेलंगाना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एक बलात्कार पीड़िता आग के हवाले कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद सभी विपक्षी दलों ने यूपी में जंगल राज होने का आरोप लगाया है। उन्नाव के अलावा पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के बक्सर में लड़कियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। तेलंगाना में लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और मर्डर की वारदात पर गुस्सा अभी कम होना बाकी था कि यूपी के उन्नाव में एक बलात्कार पीड़िता आग के हवाले कर दी गई। रेप पीड़िता उन्नाव से रायबरेली निकली थी, लेकिन रास्ते में 5 मुलजिमों ने उसके ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। 80-90% तक जली हुई हालत में पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। आग लगाने वालों में एक शख्स वो भी है जिस पर पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। महिलाओं का चलना मुश्किल है, पुरुषों का भी ये है कि आज जिंदा है तो कल रहेगा कि नहीं, ये हालत पैदा हो गई। ये माहौल इस तरह का है, संविधान के अनुकूल व्यवस्था चल नहीं पा रही है, संविधान तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का अब एक ही इलाज रह गया है कि वहाँ अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए संविधान के और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, जब यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल है तब राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स योगी जी इज नाउ नॉट हियर, ही इज इन झारखंड मेकिंग स्पीचेस एंड आई थिंक ही शुड स्टॉप मेकिंग स्पीचेस फॉर अ व्हाइल एंड जस्ट थिंक एज टू व्हाट्स हैपनिंग इज इन ओन स्टेट इन हिज ओन बैकयार्ड and how women are being raped and then burnt. वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि सरकारें कानून तो बना देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन नील बटे सन्नाटा है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कानून दर कानून हम बनाते जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है, जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा देश नीलबटे सन्नाटा पे खड़ा है। अब दिल्ली जैसे शहर को ही ले लीजिए, दिल्ली में 52,000 पुलिस अफसरों की कमी है। दिल्ली में ही देख लीजिए, 40% PCR वैन्स की कमी है, पुलिस थानों में CCTV कैमरा नहीं लगे हुए, महिला थाने नहीं है। अगर दिल्ली का ये हाल है तो देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। फिलहाल 23 साल की बलात्कार पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। उसने इसी साल मार्च में 2 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता का आरोप है कि बलात्कार के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया था। वहीं उन्नाव पुलिस ने इस वारदात के सभी 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के बक्सर जिले में भी सामने आया है। दोनों ही जिलों में महिलाओं की जली हुई लाश मिली है। आशंका है कि रेप के बाद महिलाओं को आग के हवाले कर दिया गया है। पिछले हफ्ते तेलंगाना में भी महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं महिला हिंसा के लगातार बढ़ रहे मामलों पर विरोध प्रदर्शन भी उग्र हो गया है। दिल्ली में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को विजय चौक से हिरासत में ले लिया गया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।